Should you choose big four or small or medium size firm for your articleship? Articleship में जाना है तो क्या big four में articleship करना worth it है या फिर क्या small या medium size में articleship करना सही रहेगा या नहीं? So if you are confused about this question, then do watch this video till the end. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sikhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बिग फोर होती क्या है. बिग फोर आर द टॉप फोर फर्म्स, कंसल्टिंग बेस्ड फर्म विच प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स. क्लाइंट्स कौन होती है? इंडस्ट्री होती है, जो टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती हैं, जैसे नेस्ले, HCL और ये बहुत सारी क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं. बिग फोर कौन कौन सी कंपनीज को सम होता है, मतलब फोर कौन कौन सी बिग फर्म्स हैं हमारी इंडिया में? डेलॉइट, PwC, EY एंड KPMG. ये चार बिग फोर फर्म हैं इन विच यू कैन डू आर्टिकलशिप. नाउ कमिंग टू स्मॉल या मीडियम साइज फर्म. स्मॉल या मीडियम साइज फर्म कौन सी होती है? जो थोड़ी स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करती है एंड जहां पे आपको सारी डोमेन्स का एक्सपोजर मिलेगा. बट अगर आप बिग फोर में जाओगे तो आपको सिर्फ स्पेशलाइज लाइन में ही एक्सपोजर मिलेगा. स्पेशलाइज फील्ड कौन कौन सी होती है? ऑडिट, टैक्सेशन. ऑडिट में भी आगे फर्दर टू सब डिविजन होती है, इंटरनल ऑडिट एंड स्टैटरी ऑडिट. और जो नॉर्मल स्मॉल टू मीडियम साइज फर्म है उसमें आपको एक्सपोजर थोड़ा वास्ट चीजों का मिलेगा, वास्ट एरियाज का मिलेगा उसमें. तो उसमें आपको सब आ जाएगा, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऐसे छोटे छोटे चीजें जो आपको आ जाएंगी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सब GST ऑडिट, ये सब इसमें कवर हो जाता है. नाउ कमिंग टू इफ यू आस्क मी वेदर यू शुड चूज बिग फोर फॉर आर्टिकलशिप और नॉट. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर हम बिग फोर से आर्टिकलशिप करते हैं तो हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और साथ के साथ हम इसके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे फॉर यू, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू मेक अ डिसीजन. सबसे पहले तो अगर हम बिग फोर में आर्टिकलशिप करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है? नंबर 1, एक्सपोजर. बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा आपको, टॉप नॉच एक्सपीरियंस मिलेगा इफ यू वर्क फ्रॉम बिग फोर, इफ यू डू आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग फोर, बिकॉज स्पेशलाइज प्रोसीजर एंड बिग फोर आर नोन फॉर देयर क्वालिटी ऑफ द वर्क दे प्रोवाइड टू इट्स क्लाइंट. तो अगर आप बिग फोर से आर्टिकलशिप करेंगे तो आपके काम में क्वालिटी अपने आप ही दिखेगी. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम. अगर आप बिग फोर से आर्टिकलशिप करते हैं तो उसमें आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी एक्सपोजर मिलता है. ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं हर कंपनीज के, विच आर डिजाइंड नॉट ओनली रिलेटेड टू टेक्निकल एस्पेक्ट बट ऑल्सो कवरिंग योर सॉफ्ट स्किल्स एस्पेक्ट. तो ये दोनों चीजें आपके बिग फोर में कवर हो जाती है. बिग फोर की सॉफ्टवेयर या सिस्टम इस तरह से डिजाइन है कि आपको सब चीजों का एक्सपोजर मिल जाए. नेक्स्ट इज बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज वंस यू क्लियर सी एग्जाम्स. तो अगर आपने बिग फोर से आर्टिकलशिप करी है तो डेफिनेटली आपको एज मिलेगी एक बंदे से जिसने स्मॉल या मीडियम साइज से आर्टिकलशिप करी होगी या स्मॉल या मीडियम साइज फर्म से आर्टिकलशिप करी होगी, तो उसमें से आपको बेनिफिट हो जाएगा. एंड इसके नेक्स्ट पॉइंट विच इज इन रिलेशन टू दैट ओनली इज आपका कॉम्पनसेशन पैकेज भी इंक्रीज होगा. अगर आपने बिग फोर से आर्टिकलशिप करी है तो आपका कॉम्पनसेशन पैकेज जिसने स्मॉल या मीडियम साइज से आर्टिकलशिप करी है उससे डिफरेंट होगा, उससे इंक्रीज ही होगा, ये आपको बेनिफिट हो जाएगा. नेक्स्ट इज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज. बिग फोर की अपने इवेंट्स भी होते हैं, उनके अपने ऑफिसेज हैं, उसमें इतने इंप्लॉयज करते हैं काम, तो आपको सबसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा एंड आपकी टीम इतनी बड़ी होगी आपको सबसे अच्छे से बात करने को मिलेगा एंड आपकी नेटवर्किंग डेफिनेटली बढ़ जाएगी. मुझे पूछोगे आपकी अब नेटवर्किंग किस काम आती है? अगर आपको जॉब चेंज करनी है या फिर किसी प्रोफेशनल रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप किसके पास जाओगे? अपने सीनियर्स के पास जाओगे, अपने मैनेजर्स के पास जाओगे. तो इसीलिए आपको नेटवर्किंग की बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर योर करियर ग्रोथ. तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बिग फोर में डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट कि हमें बिग फोर से आर्टिकलशिप करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए. वर्क कल्चर ऑफ बिग फोर इज वेरी वेरी प्रोफेशनल. आपको अगर एक मेल तक लिखना है या फिर आपको एक PPT फॉर्मेटिंग भी, आपको इतनी से छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा इफ यू आर वर्किंग इन अ बिग फोर, बिकॉज बिग फोर आर नोन फॉर देयर क्वालिटी वर्क. तो आपको भी क्वालिटी वर्क डिलीवर करने की सेंस आ जाएगी कि हाँ, मुझे इस काम में इतनी सी भी गलती नहीं रहनी चाहिए या अगर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग का भी इशू है तो मुझे वो भी करेक्ट करके भेजना चाहिए. दीज आर स्मॉल थिंग्स बट मैटर्स अ लॉट फॉर योर ग्रोथ एंड फ्यूचर में अगर आप कोई दूसरी कंपनी में जाते हो तो आप पे बेटर इंप्रेशन पड़ेगा. नाउ कमिंग टू कि हमें बिग फोर में आर्टिकलशिप करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. देखो, एवरी प्रो कम विद अ कॉन.
तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही अच्छा जाएगा. थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, एक्स्ट्रा बर्डन होगा इफ यू डू आर्टिकलशिप फ्रॉम अ बिग फोर. वो तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आपको सब चीजें 100/100 नहीं मिल सकती है. तो ये चीज आपको देखकर लेकर चलनी पड़ेगी ध्यान में, कि आपको बिग फोर से अगर आर्टिकलशिप करनी है तो आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो सकता है एट द एंड, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होने वाला है एज कम्पेयर टू स्मॉल और मीडियम साइज फर्म. और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, थोड़ा सा फाइनल की प्रिपरेशन अफेक्ट हो जाएंगी इस चक्कर में, बट ऐसा नहीं है कि आप फाइनल क्लियर नहीं कर सकते हो या एक बार में क्लियर नहीं कर सकते हो या रैंक नहीं ला सकते हो. सिंस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी मिल जाएगी ना, तो ये सब कवर हो जाएगा उस पर. ज्यादा से ज्यादा अगर इफ वी सी तो रैंक होल्डर बिग फोर्स के ही होते हैं, ये आप ध्यान में रखना. नाउ कमिंग टू, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो आई वुडंट रिकमेंड यू टू गो फॉर आर्टिकलशिप एट बिग फोर, बिकॉज आपको फिर एंड टू एंड प्रोसीजर की नॉलेज नहीं होगी. बट इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ जॉब और आपको फॉरन अपॉर्चुनिटीज चाहिए या फिर आपको इसी फील्ड में रहना है आपको करियर ग्रोथ के लिए, तो आपको डेफिनेटली बिग फोर चूज करना चाहिए, कीपिंग इन माइंड ऑल अदर फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल योर ट्रैवल कॉस्ट, योर कम्यूट और आपका टाइम पीरियड कितना अफेक्ट होगा. ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के ही डिसीजन लेना पड़ेगा. आई होप इट सॉल्व्स ऑल योर डाउट रिलेटेड टू वेदर यू शुड गो फॉर आर्टिकलशिप एट बिग फोर और नॉट. अगर आप इतने डिसिप्लिन्ड हो, आप में डिटर्मिनेशन है कुछ अच्छा करने की, और अगर आपको आगे जॉब में जाना है, फॉरन अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आपको डेफिनेटली आर्टिकलशिप बिग फोर से करनी चाहिए. बट इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर प्रैक्टिस इन फ्यूचर, देन यू शुड कंसिडर डूइंग आर्टिकलशिप फ्रॉम अ स्मॉल और मीडियम साइज फर्म. If you have any question, do mention that in the comment section below and please subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn or you may join my Telegram community. But not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.